राजनांदगांव में क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आज संध्या दिग्विजय स्टेडियम मैदान में रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रशासन, पुलिस, प्रेस, पब्लिक द्वारा सद्भावना क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में राजनांदगांव के खेल प्रेमियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार यहां हॉकी की स्पर्धा 80 वर्षों से लगातार संचालित हो रही है, ठीक उसी प्रकार इस क्रिकेट प्रतियोगिता की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी। पूरी खबर देखेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GPN24 और मैं हूं आपके साथ मोनिका। गरिमा मामले व भव्य आयोजन के लिए खेलाधीन के साथ ही आयोजकों व खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों का स्वागत। आयोजन समिति की ओर से आयोजन समिति के सचिव व आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा सहित अन्य सदस्य ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कर्मचारियों में और काफ़ी मनोरंजन मनोरंजन बनाने के लिए काफ़ी अद्भुत नियम भी इसमें बनाए गए हैं ताकि सभी लोग उसको एंजॉय कर सके। खेल भावना तो रहे ही, लेकिन आपस में भावना उसमें बन सके और इसी उद्देश्य से ये आयोजन कराया जा रहा है और हमारी शुभकामनाएं। खेलना चाहिए ताकि मैच खेलेंगे, मैच खेलते रहते हैं। नहीं, आप तो खेलते ही हैं सर, लेकिन आज का प्रशासन का पहला मैच है, आप भी ग्राउंड पर उतरे तो दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा सर। छत्तीसगढ़ की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24।